Hi everyone, so this is Sunny Sharma. For those of you who don't know me, I'm a competitive athlete. और अभी आज की ये वीडियो बनानी बहुत ही necessary है. So those of you who are following me from a long time, आपको पता होगा कि these kind of things are the last to be on my feed, या फिर इन सबको मैंने कभी पास में एनर्जी दी हो इन चीजों को. Anyway, अभी जो टॉपिक है, कोई भी एथलीट जो बाकी सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे फेलो एथलीट्स हैं जिन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला, मत सोचो कि बाद में बोल रहे हो या पहले बोल रहे हो या अभी क्या होगा तभी क्या होगा. बहुत नेसेसरी है इसके बारे में बोलना, नहीं तो जो चीजें जितने एक्सट्रीम पे अभी हो रही हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी को थ्रैश किया जा रहा है लास्ट 2-3 साल से, मतलब क्या ही चल रहा है. पहले कोई बंदा के प्लास्टिक कार्ड्स कर रहा है, जिस की इम्पॉर्टेंस वो लो आईक्यू के जो ये लोग हैं वो समझ ही नहीं सकते. ठीक है, आपका एक सर्टेन, अगर फर्स्टली दिस वीडियो इज अबाउट द रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन साहिल खान, मनोज पाटिल, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो साहिल खान ने जो बोला सारे एथलीट्स के लिए कि चड्डी पहन के खड़े होते हैं, तेल लगा के खड़े होते हैं और वो वहां पे चीफ गेस्ट हैं. आई डोंट नो कि कैसे कोई बंदा ये सब ऐसे बातें कर भी लेता है, स्पेशली जब आप उस पॉइंट पे हो. और आई गेस दैट ऑलरेडी टेल्स अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ कि वो कितना मेंटली साउंड है या फिर कहाँ पे उसकी मेंटालिटी है. तो सबसे मेन चीज कि अगर अभी भी कोई एथलीट, कोई कंपेरेटिव एथलीट जो इस कम्युनिटी से है, अगर अभी भी आपको बुरा नहीं लग रहा और आप नहीं बोलोगे, जबकि स्पेशली सारी कम्युनिटी अभी इकट्ठे होकर बोल रही है, दिस इज द बेस्ट टाइम, मत सोचो, अपनी ईगो साइड पे रखो और स्पीक अप. ठीक है, तो अभी जो चीजें, पता नहीं, मेरे पास कोई ऐसा कुछ रिटर्न डेटा नहीं है कि मैं कंबाइल करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं ऐसा हुआ वैसा हुआ. जनरली कोई भी अगर एक किसी में भी सेंस है जज करने की, थोड़ा भी अगर आप में आईक्यू है, तो आपको सारी कॉन्ट्रोवर्सी में पता लग जाएगा कि कैसे मनोज को फ्रेम करा जा रहा है, एक बंदे के पीछे पड़ रहे हो तुम गियर यूज को लेके या किसी भी चीज को लेके. दिस इज जस्ट फुलिश, मतलब अगर कोई भी समझदार बंदा देख रहा है तो लिटरली बेवकूफी है. और उस लेवल का बंदा एक एथलीट को ऐसे थ्रैश कर रहा है, हरास कर रहा है, देयर इज नो सेंस कि क्या चल रहा है इस सब में. तो जो अभी सबसे मेन चीज है, अगर सारे एथलीट्स अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बोलेंगे, और मेन रीजन क्या है बोलने का, अगर इतना बड़ा कल्ट जो उस बंदे का जो उसके पीछे चल रहा है, उनकी आंखें ही नहीं कभी खुलेंगी कि वो किस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. मतलब फिटनेस आइकन, क्या कर रहे हो आप फिटनेस के लिए? 50 स्टोरीज दिन में, 1 लाइफ बेबी, मतलब क्या, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? कहां है उसमें फिटनेस, कहां है? बॉडी बिल्डिंग शोज में आप जाते थे, आपको पसंद थी, अब आप उन्हीं की इंसल्ट कर रहे हो. सबसे पहले तो अजीब लगता है ये सब बोलते हुए भी कि डू हम आपकी आधी एज के एथलीट आपको बताते हुए अच्छे भी लगते हैं. अभी सिंपल सी चीज, आप पता नहीं किस कंडीशन को आप लेके इतना ब्रैग करते रहते हो. कोई भी ढंग का एथलीट आप पे हंसता होगा देख के, पेपर थिन स्किन, लीन वगैरह, ये सब नहीं होता. ये अदरक की तरह आधा टेढ़ा डेवलप कोई भी घूम रहा है. कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग इज अ होल डिफरेंट एनिमल. आप किन चीजों को कंपेयर कर रहे हो और कैसे इस इंडस्ट्री को आप डिग्रेड कर रहे हो अपनी चीजों से बार बार रिपीटेटिवली, दैट शुड बी स्टॉप. और अभी अगेन आई एम सेइंग, जब तक सारी कम्युनिटी स्टैंड नहीं लेगी, सब नहीं बोलेंगे, और एक बार अगर आप बोलोगे तो देन ये कुछ भी नहीं है. ठीक है, इफ एथलीट स्टैंड टूगेदर, ये लोगों को चढ़ाने वाली हमारे कल्ट फॉलोइंग सारे जनता है, जो कि सबसे पहली गलती है. ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं. और अभी के लिए सबको ब्रीफ रखते हैं, दोज ऑफ यू हु हैवंट स्पीकन अप, बोलो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखो, बहुत नेसेसरी है. और सबसे बड़ी चीज कि एक एथलीट, कोई मेरे ऐसा बंदा या फिर जो और भी हैं मेरे से ऊपर हैं, द पीपल हु आई लुक अप टू, अगर आप लोगों को इन चीजों से बुरा नहीं लग रहा तो कैसे चलेगा, कैसे, कितना ट्रूली आप कर रहे हो स्पोर्ट को फॉलो? मतलब अगर मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल
जस्ट गो थ्रू माई फीड, ठीक है, सालों तक देखो ऐसा कुछ एक वीडियो भी डला है क्या मेरे पेज पे? अगर मैं बोल सकता हूं तो सबको बोलना चाहिए. सो लेट्स कीप इट ब्रीफ फॉर नाउ. आई माइट मेक अनदर वीडियो, क्योंकि अभी ये जस्ट ऐसी है, नथिंग कंपाइल. आई जस्ट गॉट डन विद माई ट्रेनिंग सेशन एंड आई हैड टू स्पीक इट अप. फिर को ये पुट आउट करना था आज, एंड दिस इज ऑल ऑफ द टाइम आई हैड. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.